गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, वही तैयारी पकड़ लें, चाहे आप हमें सुबह देख रहे हैं, चाहे आप हमें शाम में देख रहे हैं, चाहे आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे आप हमें पीटीवी ग्लोबल यूएस पे देख रहे हैं, पीटीवी ग्लोबल यूके यूरोप में देख रहे हैं, पीटीवी न्यूज पे देख रहे हैं, पीटीवी होम पे देख रहे हैं, जहां कहीं भी देख रहे हैं तैयार हो जाए, क्योंकि आज का जो ब्रेकफास्ट एट होम का शो है उसमें बड़ी डाइवर्सिटी, बहुत ही मुनफरद और डिफरेंट तरह की बात होने वाली है। मिसाल के तौर पे आज हम ये बात करेंगे कि जब हम लफ्ज़ तालीम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन, तो उसका उससे मुराद सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, दो तीय छः, इससे हट के भी एजुकेशन को डिफरेंट तरह से डिफाइन किया जा रहा है और इंटरनेशनली उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आज उस हवाले से अब्दुल रब हमारे गेस्ट होंगे कि जिनका बहुत से ममालिक में इस हवाले से काम करने का एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, खास तौर पे गोल 4 एजुकेशन, जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से देखते हैं, और आज हमें पता चलेगा कि अरे ये और ये भी एजुकेशन है। तो मैं तो ऐसे ही मैट्रिक की किताबें पढ़ के, मैट्रिक एफ ए बी एम ए पी एच डी, कितना प्रेशर देती है सोसाइटी हमें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस तरह की तालीम भी एक बंदे दा पुत्र बनाती है, यानी कि आपको आपकी शख्सियत साजी करती है। वो क्या तालीम होती है, इस हवाले से अब्दुल रब हमारे साथ होंगे। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट कि आज मीना तारिक का दिन होता है, और मीना तारिक हमें वो उसूल बता जाती हैं, वो टिप्स दे जाती हैं बिजनेसेस के, खासतौर पे हमारे यंग लड़के लड़कियां जो बिजनेसेस करते हैं, उस हवाले से। वैसे कुछ दिन पहले मीना ने मुझे कहा कि मैं एक बहुत ही सरप्राइज किस्म का सेगमेंट तैयार करके ला रही हूं कि बुजुर्ग अफराद भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी उम्र 50 55 60 होगी तो क्या बस जिंदगी अब लैंड करने लगा जहाज? नो, उस उम्र के अंदर भी आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाउ एंड व्हाई और किस तरह से, इस हवाले से भी देखते हैं कि मीरा के पास कुछ टिप्स हैं हमारे लिए या नहीं। एंड नोवेरा, मेरी आपकी फेवरेट नोवेरा, आज हमें स्क्रीन टाइम के हवाले से कुछ टिप्स देने जा रही है। मुमन, हमने देखा है कि सोशल मीडिया और जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है, जो स्क्रीन है, चाहे वो टीवी की स्क्रीन है, वो सिनेमा की स्क्रीन है, वो लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या वो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन है, इस हवाले से अक्सर देखा गया है कि बड़े बच्चों को नसीहत कर रहे होते हैं, तंबीह कर रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, लेकिन आज कुछ काम उल्टा होने लगा है। नोवेरा आ रही है स्क्रीन टाइम के हवाले से एक जबरदस्त स्टेटिस्टिकल प्रेजेंटेशन के साथ, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं जो हम आज उनसे हासिल करेंगे। तो ये सब बड़ा डाइवर्स किस्म का शो है आज ब्रेकफास्ट एट होम का। इस पे आगाज में हम आपको लेकर चलते हैं ट्रेनर काशिफ की तरफ और देखते हैं कि आज इनके पास हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू काशिफ, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारा वर्कआउट है, आज की जो हमारी वर्जिश है, वो चेस्ट के जो बेसिकली दो मसल्स होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में, पेक्टोरल मेजर एंड पेक्टोरल माइनर। पेक्टोरल मेजर इज राइट हियर, ये आपका हिस्सा जो होता है। पेक्टोरल माइनर जो साइड पे आप देख रहे हैं, खूबसूरत सी मेरी शर्ट की जो आपकी फॉर्म नज़र आती है बेसिकली, तो आपका ये हिस्सा होता है जो नीचे से आ रहा होता है। सो इन पे हम प्राइमरीली स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा स्ट्रेचेस करने हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद अपने स्ट्रेचेस करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट मूव, हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने वाइड एंगल से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, और मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो, जिससे आपकी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। अच्छा। क्योंकि हम इन बिटवीन न्यूट्रल स्टैंस पे आएंगे। आपने वाइड स्टैंस किया, एक्सट्रीम वाइड, एंड देन आपका जो चेस्ट है वो लगना चाहिए ज़मीन के साथ। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 8 रेपिटेशंस करने हैं। यहां से अब आपने थोड़ा सा क्लोज किया, 1 2 वाइडर ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 4 5 6 8 किए, मैं बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्विक सा। थोड़ा सा और क्लोज किया, आपने नॉन स्टॉप करने हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 वाइड, दरमियाना और नैरो, नैरो और ईच, 8 ईच विदाउट एनी रेस्ट। और उसके बाद आपने बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप पे आना, और यहाँ पे आपने नेगेटिव इंटेंस कंट्रोल करना है, जैसा कि आहिस्ता नीचे गए, और यहाँ पे आपने रुकना है 1 to 2 सेकंड्स के लिए, एंड देन बैक अप ऑल द वे।
और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है, पूरी नेगेटिव फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाना है, माइंड मसल कनेक्शन बनाना है। आहिस्ता 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 नीचे गए, सर से नहीं उतारना, गिन बस सिर्फ गिन के नहीं फारग करना, उस पूरे एक्सपीरियंस को अपनी बॉडी को करवाना है, उस तजुर्बे को करवाना है आखिरी लम्हे तक। और जी इसके आपके रेपिटेशन होंगे 3, इसका आपने फेलियर करना है। इसके बाद आपको चाहिए होंगे आपके वेट्स, वेट्स के लिए आपने पोजीशन दे आना है अपनी। आप इस तरह से लेट जाइए, डंबल्स को यूं रखिए, ऑल पम्प्ड अप, चेस्ट अप, कोर टाइट, यहाँ रखिए, शूट कीजिए 1, 2, 3, कोई मोमेंटम नहीं है, जस्ट टेम्पो में करना है, ठीक है, आपने नॉन स्टॉप। ओके, 8 रेपिटेशंस यहाँ पे एंड देन स्टॉप, 8 रेपिटेशंस यहाँ पे। जो फर्स्ट मैंने मूव बताई थी वाइड क्लोज एक्सट्रीम क्लोज, वो करने के बाद आपने एटलीस्ट 1 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद उसके 3 सेट्स करने के बाद ये करनी है। और आपने और जरूरी नहीं है कि 8 किलो हो, नहीं, वेट आपके अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ रहेगा। और आपने 30 सेकेंड रेस्ट लेना है, साथ साथ पानी पीते रहेगा, सेकेंड फॉर्म हो गई, इसके भी 3 सेट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपने, अगर आपने थक गए हैं, डंबल्स यूँ रखिए, रिलैक्स कीजिए, उठिए, बॉडी को शेक करें, मसल रिलैक्स करें, और दोबारा से यहाँ से इनको पकड़िए ऐसे रखिए। और ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, देखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन इसके अंदर भी आपने पूरी अपनी नेगेटिव फोर्स को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करना है, झटके नहीं देने, क्योंकि ये आपकी नेक पीस में इन्वॉल्व है। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा वाइड पीछे डीप मत जाएं, अगर आप डीप जाएंगे तो क्या होगा, आपके लैट्स के मसल बेसिकली आपके बैक रीजन इन्वॉल्व हो जाएगा। सो आपने मेक श्योर यहाँ एंड देन फुल रेंज ऑफ मोशन स्क्वीज, एल्बो डेड लॉक हो, बेंड ना हो, फुल ऑल द वे। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट मूव और फिर हमारा आज का वर्कआउट डन होगा। यहाँ रखिए अगेन, एंड इसमें अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ लग रही है, जैसे कि इसकी लेंथ ज़्यादा है डंबल की, आप क्या कीजिए, टांगे थोड़ी सी एक्सटेंड कर लीजिए एंड नॉन स्टॉप। आपको लगेगा वजन बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं हो रहा, वेरी नाइस, तो आपने क्या करना है, लाइटर वेट के साथ, लेकिन कीप द कनेक्शन, माइंड मसल, ब्लड फ्लो करवाएं, कोर नाइस एंड टाइट, कंट्रोल फॉर्म, झटका नहीं देना, क्योंकि आपका इसमें शोल्डर सॉकेट इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक तो बिल्कुल पहली एक्सरसाइज पे चले जाएं कि वाइड, मिडिल, नैरो, ये 3 का फर्क क्यों? बेसिकली वाइड, मिडिल, नैरो, 4 एंगल्स मैंने आपको बताए हैं, एक्सट्रीम वाइड, इन बिटवीन वाइड, क्लोज, एक्सट्रीम क्लोजअप। वाइड हम जा रहे हैं क्योंकि आपके जो बेसिकली एनाटॉमी में 2 मसल्स तो हैं, लेकिन यूजली देयर इज एंटायर रीजन आपके चेस्ट एरिया का, तो मसल फाइबर, अगर मिसाल के तौर पे मैं न्यूट्रल जो पुशअप्स हैं स्टैंडर्ड, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो हो सकता है और डेफिनेटली हो रहा है कि आपका पेक्टोरल मेजर और माइनर में मसल फाइबर्स जो हैं वो सारे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, मे बी यहाँ टेंशन है, मे बी यहाँ टेंशन है, डिपेंड्स जेनेटिक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो सीख भाई करेंगे, हो सकता है इनका यहाँ ज़्यादा टेंशन हो, ठीक है, मुझे यहाँ टेंशन फील हो रही है। सो जब हम वेरिएशन ऐड करते हैं तो हम इंटायर रीजन की बात करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, अगले किसी निश्चित में जरूर लेके आऊंगा। यानी रीजन के मुख्तलिफ एरियाज जो हैं वो आप कोई मिस नहीं होता, मसल फाइबर था ना, छोटे 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 खुले हैं, उनको आपने इंटायर रीजन को ट्रेन करना है। अब जितनी भी वेरिएशन लाते हैं, एंगल्स लेके आते हैं, हर मरतबा आपका डिफरेंट मसल जो होता है, मसल फाइबर इन्वॉल्व होता है। ग्रेट रिक्रूट जेना काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हमने चेस्ट की एक्सरसाइजेज के हवाले से बात की, एक हम डिस्क्लेमर जरूर चलाना चाहते हैं कि ट्रेनर काशिफ 8-8 किलो के वेट्स के साथ आपके सामने जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने भी 8 किलो यूज करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी, अपनी कैपेसिटी, अपने शौक के मुताबिक वेट्स को कम भी रख सकते हैं। आगाज वहीं से करिए, सुपर 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 एक्सट्रीम लाइट, यानी कि आप हाथों के जरिए भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, फिर आपने कुछ पानी की बॉटल और ऐसा ऐसा चीजें वेट इंक्रीज करते जाएं, लेकिन स्टार्ट सुपर लाइट से, सुपर लाइट से करें, इवन 1 kg, 2 kg से भी करें, ताकि बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने क्यों होने में टाइम लगता है ना, तो वक्त लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज हो जाती है। और आज काशिफ तुमने वो पानी की सिपिंग वाली तो बात बताई नहीं, वो तो रेगुलर है, वो तो आपके वर्कआउट का हिस्सा है। ये जुर्म कैसे कर दिया वो मैं समझता हूँ कभी कभी मोनोटोनस हो जाती है कि हर बात आप बार बार रिपीट करते जाएं, लेकिन तो मैं समझता हूँ रजिस्टर्ड, तो पानी आपने याद रखना है कि पानी आप जितना आधे घंटे का वर्कआउट करें तो 1 लीटर पानी आपने कम से कम उसको पूरा पीना है। और फरमाइश आई है जी, क्या
फरमाइश है ये कि वो काशिफ भाई से कहें कि वो ज़रा बताएं कि अगर फेसबुक पे जाना हो तो या ये हमारा शो देखना हो तो ऑनलाइन कैसे जाएंगे और क्या क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है यूट्यूब। यूट्यूब पे जाके लिखेंगे आप PTV Home। PTV Home पे ब्रेकफास्ट एट होम के नाम से हमारे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर जाके आप हमारे सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं 16 जुलाई 2018 से आज तक। हाँ, ये मैं असल जुमला तो मिस हो गया था। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी क्लास फेलो नवेरा आज हमारे साथ हैं और नवेरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली है। सब काम छोड़ दें, नवेरा की बात सुने। अभी 2 मिनट में 3 मिनट में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हम अक्सर डॉक्टर्स को बुलाते रहते हैं और बहुत सी बीमारियों के हवाले से उनका न्यूट्रिशन के ज़रिए कैसे इलाज हो सकता है, यादवियात या लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पर बात होती है। और इस तरह के सेगमेंट्स आप में बहुत मकबूल होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ज़िंदगी के साथ, जिस्म के साथ बीमारी जुड़ी हुई है और सब चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई नुस्खे मिल जाए, कोई ना कोई इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। लेकिन क्या करें कि पुरानी बीमारियां तो है ही हैं हैंडल करने के लिए, इंसान के लिए नई बीमारियां भी सामने आती जा रही हैं। आज हम डॉक्टर नवेरा के साथ। डॉक्टर नवेरा, गुड मॉर्निंग। ओह, हाई फाइव है, ये हैंडशेक। हैंडशेक भी हो गया और हाई फाइव भी हो गया। डॉक्टर नवेरा आज हमें 2 नई बीमारियों के बारे में बताने वाले। तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस आ रही हैं कि सब लोग फ़ोन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अच्छा, जैसे 2 to 5 years को बस 2 hours मिलना चाहिए, 8 और 18 years तक ऐसा मिलना, इसलिए मैं भी तो 8 हूँ ना। हाँ, डॉक्टर नवेरा भी 8 साल की हैं, ठीक है। और कितना मिलना चाहिए 8 to 18 को? 7 hours. So, जी, डॉक्टर नवेरा ये कह रही हैं कि 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों को अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 2 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। अगर आपका बच्चा या बच्ची 2 से 5 साल की एज में है, 2 घंटे से ज्यादा आप उसको स्मार्टफोन या लैपटॉप स्क्रीन नहीं दे सकते। और 5 से 15 हमारे इर्द-गिर्द जो बच्चे हैं 15 साल के 14 साल के 13 साल के 16 साल के वो कितने घंटे स्क्रीन को देखते हैं। रिकमेंडेड है कि 7 घंटे 7 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब फोन देखते हो आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आपने अपने यूजुअल वर्ल्ड में रहना चाहिए। इसलिए जब आप फोन देखते हो आप चले जाते हो फोन के अंदर, यू डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपका रूम गंदा है तो अगर आपने क्लीन करना है आप अपने आप को पानी भी दे देते हो, आप बस इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। अगर आप फोन यूज करें ये जा रहे हैं और ये एक होल में गिरने वाले हैं। ओह यस, वो तो मैंने अब देखा। यस, अगर आप जैसे फोन में देख रहे होते बस टैबलेट फोन आप बस उसमें आप बस देखते हो और आपको पता नहीं चलता आप कहाँ जा रहे हो, तो आप किसी होल में गिर जाते हो या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी आ गई। और ऐसी बहुत सी वीडियोस भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपने साथियों देखी होंगी
बहुत से न्यू डिजीजेस आए हैं। अगर आप देखें कि ब्लू रेज आती है, अगर आप बहुत क्लोज देखें टीवी को, रेज आती है फोन से, ब्लू लाइट आती है जो आपकी ब्रेन के अंदर जाती है। जब ब्रेन के अंदर जाती है वो आपकी ब्रेन को ख़राब करती है, आईज को ग्लासेस लग जाती हैं और स्लोली स्लोली आपको डिजीजेस हो सकते हैं। ये तो अल्लाह को पता है हमारी कितनी एज होगी, लेकिन हो भी सकते हैं। Exactly. बड़ी जबरदस्त बात नवेरा कर रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन जितने साल के लिए आपको नेचर ने जिंदगी दी है वो कम से कम हेल्दी लाइफस्टाइल तो गुजारें। जबरदस्त पॉइंट है डॉक्टर साहब। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप टीवी छोड़ें, आप बस छोड़ें, आप जाएं पार्क में, जाएं मजे करें, हैव फन करें। अगर पार्क में साथ आप झूले ले सकते हैं, अपनी मामा के साथ बातें कर सकते हैं, आप स्विंग्स ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, लेकिन आपने बस फ़ोन पर लगना है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही ऑप्शंस भी दे रही हैं डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं कि और क्या है इंफॉर्मेशन। ये देखिए, आप ये कुछ टीवी में देख रहे हैं, टीवी में कुछ गुस्सा हो रहा है और ये भी गुस्सा हो रहे हैं, टीवी में कोई गुस्सा हो रहा है, ये भी गुस्सा हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि कोई हमारा करंट अफेयर्स का टॉक शो देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो टॉक शोज देख के मैच या मैं एब्सोल्युटली मैच देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की कंडीशन मैच में कोई अच्छी नहीं है, इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्टली, तो स्क्रीन जो है वो हमें एंगर की तरफ या रेज की तरफ भी लेके जाती है। ये भी रिसर्च ने साबित किया है कि हम जितना ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम गुजारते हैं, हमारे डिपेंड करता है आप क्या कॉन्टेंट देख रहे हैं, आप में गुस्से का एलिमेंट बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप टीवी स्टॉप कर दें, मोबाइल स्टॉप कर दें, लेकिन आप अच्छी चीज़ें देखें जो आपको हेल्प करें। आप DIYs देखें, आप देखें हाउ टू सेट योर रूम, ऑर्गेनाइज योर स्टफ, आप देखें हाउ ड्राइंग, आप देख सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, आप बहुत सी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, कार्टून्स है ना, लेकिन कार्टून्स भी वायलेंस वाले नहीं, जिनमें लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई है ना, नहीं है ना। ओके ग्रेट, अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। देखें, ये आपको नहीं पता होता कि आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, जब आप खाते हैं टीवी के साथ देख, टीवी भी देख रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपका इतना मोटा हो जाता है, इतने मोटा आप होते जाते हैं कि आपसे चला भी नहीं जाता। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली On spot लिया चला जाता है, लेकिन आप फैट हो जाते हैं, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, आपने बस लेटना है बैठ। Exactly, मतलब आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए तो आप कोई भी चिप्स, पॉपकॉर्न्स, ऐसी जंक फूड खाते जाते हैं, फिजी ड्रिंक्स, और आपके पास टाइम ही नहीं होता अच्छे फूड बनाने का। आप ऐसा कर लें कि आप टीवी को छोड़े, बस फ्रूट और बॉल लें और खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं, सीरियल्स, और इस तरह के लाइफस्टाइल से कि आप एक सोफे पे बैठे हुए हैं, सामने टीवी लगा हुआ है और नम 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 नम, तो इससे आपका वेट इंक्रीज होता है। जी, अगली टिप क्या है, ये क्या हो रहा है? ये देखें, अगर आप पार्क में आए हुए हैं मजे लेने और आप फोन पे लगे हुए हैं, देखें आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, आपके पास स्विंग्स हैं, आपके पास सीसो है, आपके पास ग्रास है, आपके पास अल्लाह की चीज है और आप बस फोन पे लगे हुए हैं, और साथ जो बोर्ड लगा हुआ है, अगर इसमें स्लाइड पे वापस जाएं मुकेश अंकल, तो ये देखें कि अब जो कॉशन लगा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉशन चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी के खबरदार इस पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे असल में अपने स्मार्टफोन पे लगे हुए और झूले खाली पड़े हैं। और एक चीज है कि इतने छोटे बच्चों को तो फोन मिलना ही नहीं चाहिए, अगर उनके मामा बाबा साथ हों तो मिलना चाहिए, अगर वो लोन है वहाँ पे तो नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट डॉक्टर साहबा की बातों पर अगर हम अमल करना शुरू करें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। स्लाइड रहती है ओ यस, ये आप इतनी दूर से ग्रैनी को मिलने आए हैं और ग्रैनी ने इतनी मेहनत करके नूडल्स बनाए हैं, ये सारे कह रहे हैं वाओ वाओ अपने फोन पे कह रहे हैं, ग्रैनी को लग रहा है कि वो उनको कह रहे हैं कि ग्रैनी को क्या पता कि वो फोन पे लगे हुए हैं। नानी अम्मा ने इतने मजे की चीजें बनाई है, कोई नूडल बनाई है या आपके लिए खीर बनाई है, गाजर का हलवा बनाया, और बच्चे वाओ वाओ कर रहे हैं फोन के ऊपर कुछ देख। वाओ,
वाओ क्रेज क्रेज वाओ कितना अच्छा है, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ग्रैनी कहती है मैंने तो अभी तक खाना ही नहीं बनाया, आप लोग तो मुझे वाओ कह रहे हो, थैंक यू। लवली। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड। ये डॉक्टर कहते हैं कि इसको एक प्रॉब्लम है, ये न्यू डिसीज आ गया है, टेक्स्टर्स नेक और ट्विटर्स थम। आप अपनी नेक को नीचे रखते हैं फोन और आप करते जाते हैं टेक्सिंग कि आपके थम भी वीक हो जाते हैं, आपकी बोन भी वीक हो जाती है बैक वाली, और इसको डिजीजेस हो भी सकते हैं। ये न्यू डिजीज आया है, ये दो नई डिजीज आई हैं जिसका भी हम शुरू में जिक्र कर रहे थे। एक टेक्स्टर्स नेक, यानी टेक्स्ट करने वाले की नेक का एक मसला है, और ट्विटर्स थम। ट्विटर में आप कह रहे हैं वाओ कितनी अच्छी पिक्चर है ये, और लेकिन आपका सारा वक्त टक 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 टक, और इससे नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहबा, बड़ी अच्छी आपने आज प्रेजेंटेशन दी है। मुझे जरा ये बताएं कि ये जो आपने आज प्रेजेंटेशन दी है, इसकी तैयारी के अंदर आपका कितना टाइम लगा था, स्क्रीन टाइम, वो भी जरा पता कराना पड़े। ये तो मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, इसलिए मैं भी कभी 7 आवर से ज्यादा देख लेती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी, तो मैंने बस टीवी पे बैठना होता है। अच्छा, आप एक दिन में कितने आवर्स टीवी पे या स्क्रीन टाइम आपका अपना क्या है? अगर मैं कहती हूँ 10 आवर्स, पूरे आवर्स बस टीवी पे बैठी रहूं। आए, तो मम्मा फिर कैसे, ये जो सारी आपने बातें बताई, दिल तो करता है बच्चों का, जैसे आपका भी दिल करता है, तो आपकी मम्मा या आपके बाबा इसको कैसे चेक करते हैं, मम्मा कैसे कंट्रोल करती हैं? मामा तो मामा कहती है नवेरा इधर आओ काम करो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो बाबा बाद में कर लेंगे, मैं टीवी देखने जा रही हूँ, बस मैंने बैठना होता है टीवी देखना होता है। फिर मामा से डांट पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात करने का मकसद ये है कि नवेरा की तरह सब बच्चों का दिल तो करेगा, लेकिन ये हमने खुद उस चीज को कंट्रोल करना है, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड जिसकी आज टिप्स हमें नवेरा ने दिए, उनका हमें ख्याल करना है। और जब हम पेरेंटहुड के साथियों बात करते हैं तो उससे मुराद ये नहीं कि ये फर्ज सिर्फ माँ और बाप का है, इस वक्त खाला चचा मामू बड़ा भाई बड़ी बहन दादा दादी नाना नानी सब लोग मिलके ये काम कर सकते। अगर आप नानी के पास आए, मैं नानी भी तो इतना बड़ा फोन है, वाह वाह, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपको स्टोरीज बताती हैं, चीजें बताती हैं, वो इतनी चीजें बताती हैं, वो भी तो फोन है ना इंस्टाग्राम के बगैर। जबरदस्त आइडिया कि हमारी नानी दादी दादा भी हमारा सोशल मीडिया है, जरा उनके साथ बैठ के बातें तो करें, आपको फोन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक्सेलेंट टिप नवेरा, थैंक यू डॉक्टर नवेरा, यू आर ग्रेट एज ऑलवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु मीना मेरे साथ है, और आज वो बताने लगी है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी एक नया बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके एंड यूरोप, जहां जहां भी या ऑनलाइन आप हमें देख रहे हैं, हम आपको वेलकम करेंगे मीना तारिक के इस सेगमेंट में, जो कि बहुत ही यूनिक एंगल आज हमारे लेकर आया। गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड। मैंने तो सोचा था 50 साल के बाद और 60 के बाद तो खासतौर पर इंसान कहता है बस ये वाइंड अप करें, जो करना था जिंदगी में कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। क्या? ये जो थॉट है ना कि 50 क्या बल्कि 40 साल पे, मेरी अम्मी ने मेरे ख्याल में 40-45 ईयर्स पे कहना शुरू कर दिया था, मैं तो कब्र में पांव लटकाए बैठी हूँ, मैं तो बस मेरा क्या है, तुम लोग बस मेरी ये बातें मान बेटा, आप तुम्हें संभालना तो जो है ना, तो वो आई थिंक ये जो थॉट है ना ये हमारे यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, और फिर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जिनकी एज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, खासतौर पर 50 से ज्यादा हो जाती है, तो उनको हम भी कैटेगराइज कर देते हैं कि बस मतलब अब ये कुछ नया नहीं करेंगे जिंदगी में, और वो अपने आप को भी उसी बकेट में डाल देते हैं कि हम जिंदगी में अब कुछ नया नहीं करेंगे।
ठीक। और अब आप देखें तौसीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। मतलब 80 साल तक जिंदा रहना तो अब कोई बड़ी बात ही नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की उम्रें अब जा रही हैं। और मेडिकल साइंस और हेल्थ में जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो अगर आप 50 के हैं तो अभी भी आपके पास आधी जिंदगी शायद और पड़ी हुई है, मतलब 40 साल आपकी जिंदगी के अभी बाकी हैं जिनमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सीनियरप्रेन्योर्स, इनको आजकल कहते हैं सीनियरप्रेन्योर्स, जी सीनियर एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सीनियरप्रेन्योर्स, बिल्कुल। बल्कि बाहर के ममालिक में तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप जो है वो सीनियरप्रेन्योर्स का है। अच्छा, जो इसके मतलब ये कि जो 50 के बाद अपना 50 के बाद जो अपने नए बिजनेसेस शुरू करते हैं। ओके, यानी वो जो अभी नोवेरा बात कर रही थी कि दादी भी आपका बिल्कुल एक फोन है, बिल्कुल, जो तो वो दादी ने सिर्फ पोतों पोतियों के साथ नहीं बैठना, वो अपना बिजनेस भी शुरू किया। और ये मुझे बहुत उसकी बात मजे की लगी कि उसने कहा कि नानी और दादी भी हमारे लिए एक फोन की तरह ही है, क्योंकि उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, एक्चुअली जब तक आप 50 साल के होते हो तो आपने कम से कम 30 साल जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ दुनिया देखी होती है। जो 20 साल का बिजनेस शुरू करता है और जो 50 साल का बिजनेस शुरू करता है, 50 साल पे आपके पास 30 इयर्स मोर है एक्सपीरियंस के, जो आपको बिजनेस शुरू करने में हेल्प करते हैं, चाहे किया कुछ भी हो, चाहे आपने किया कुछ भी हो, जैसे कि हम, बिल्कुल बिल्कुल, हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि आपने अगर नौकरी किया, अगर आपने घर, आपने बच्चे संभाले, आप हाउस वाइफ रही हैं और अब आप 50 साल की हैं, ठीक है, ठीक है, तो भी नेगोशिएशन स्किल्स पाकिस्तान में आंटियों से बेहतर, बार्गेनिंग और प्रोक्योरमेंट, सामान खरीदना, खरीदारी, बल्कि एक्चुअली आप मुझे लास्ट वीक बता रहे थे एक एग्जांपल आपके ऑफिस में, जो जी हमारे ऑफिस में वो रिसेप्शनिस्ट आई, बिल्कुल, और वो उनका इंटरव्यू हुआ, उनके रिसेप्शनिस्ट की स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनको रख लिया गया, लेकिन 3-4 महीने के बाद पता चला कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को हेल्प करना शुरू किया, और प्रोक्योरमेंट जो दफ्तर की प्रोक्योरमेंट थी वो उनसे एक्सीलेंट अब कोई करता ही नहीं है, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बड़ी बहू का किरदार अदा किया है और घरदारी की है, खरीदारी की है। और मैं भी एक्चुअली ऐसी दो खवातीन को जानती हूँ कि जिन्होंने अब बिजनेसेस शुरू किए, और वो एक बेसिकली एक लड़की है जिसकी अम्मी और उसकी सास है, और वो दोनों खवातीन, जैसे कि ज्यादातर खवातीन पूरी जिंदगी वो बच्चों के लिए कपड़े बना रही होती हैं, बेटियों के कपड़े, बहुओं के कपड़े, उनका बहुत एक्सपीरियंस था। तो उनकी ये जो बेटी थी ये शादी करके पाकिस्तान से बाहर मूव कर गई, तो उसकी अम्मी और सास ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और वो अब यहाँ से कपड़े बनवा के और उसको जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं और वहाँ पे सेल करती हैं। ज़ाहिर है उन दोनों की उम्र 50 प्लस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे अपने जो फादर हैं वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, और उन्होंने पूरी जिंदगी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ की फील्ड में गुजारी है, अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड काम किया, और अब आके उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। अच्छा, बिल्कुल। सो आप ये देखें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, क्योंकि देखिए 20 साल की उम्र में जितना सरमाया आपके पास होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, आपने अभी तक काम नहीं किया होता, पैसे जमा नहीं किए होते, 50 साल की उम्र तक वो अमाउंट भी कुछ बढ़ गई होती है, और सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 20 साल की उम्र में जो नेटवर्क आपके पास होता है, जितने लोगों को आप जान पहचान, आपकी जो सलाम दुआ होती है वो भी लिमिटेड होती है 50 साल, बिल्कुल 50 साल की उम्र तक आपके पास कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ गए होते हैं, और आपको पता है कि सेल्स भी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होती हैं, नए बिजनेस शुरू करने में तो कॉन्टैक्ट से ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं होती। सो ये रिसोर्सेज जो हैं वो सीनियर प्रीनर्स या 50 साल से ज्यादा जो लोग हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं उनके पास ज्यादा होते हैं। एक फाइनल एग्जाम्पल अगर मैं दूँ जो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी, अगेन वो सब उनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, बाहर मूव कर गए हैं बच्चे या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमेशा से शौक था घर बनाने का, उनको अच्छा लगता था, तो उनके पास जो थोड़े पैसे थे जो भी था उन्होंने उससे एक कंस्ट्रक्शन की और उसको सेल किया, और वो सारा आंटी का प्रोजेक्ट था, उन्होंने डिजाइनिंग की, उन्होंने अंदर के फिक्स्चर्स वगैरह सब कुछ किए, एक शौक था, और अब वो बिजनेस में ट्रांसलेट कर गया। Exactly. So, अब एक्चुअली पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आई थिंक ज्यादा लोगों को करना चाहिए। अच्छा, एक आम फीलिंग, एक आम तासुर ये भी होता है कि मेरी उम्र अब 57 बरस है या 55 बरस है, अब अगर या 52 बरस है, अब मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करती हूँ या करता हूँ तो फिर मुझे एक सपोर्ट, कोई बेटा भी तो हो ना साथ, कोई बेटी हो, फिर उसको कोई संभालेगा कौन, मैं शुरू तो कर दूं, इस तरह की अप्रोच ज़हन में आती है? आप ज़रूरी नहीं है, एक तो अगर आपका बेटा बेटी या कोई और इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, राइट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों या सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी चीज़ें हों जो इस वक्त आपके लिए मुश्किल हों या आपको पहले से नहीं आती हों,
तो अगर आपकी फैमिली में कोई यंग लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको वो उस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मगर आप उनको पार्टनर्स के तौर पे लें फिर। अच्छा। और या फिर आप यंग लोगों को हायर कर सकते हैं हमेशा ना। Exactly. आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि आपके अपने अगर बच्चे या नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सिर्फ अपने आप से लिमिटेड रहें। देखिए बिजनेस जो है ना, हम जिंदगी में जो भी करें, जो नवेरा कह रही थी ये तो अल्लाह मियां को पता है कि हमने कब चले जाना है और कब कब तक दुनिया में रहना है। आप ये मत सोचें, आप ये सोचें कि जब तक आपने दुनिया में रहना है आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, दुनिया के लिए भी और अपने लिए भी। आपने नयापन लेकर आना है, आपने कुछ करना है, आप में ये जज्बा हो तो फिर उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर इस बात की कोई परेशानी नहीं है। जाने को तो मैं आज जा सकती हूँ तो मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, कौन संभालेगा मेरा बिजनेस, कोई बात नहीं। वो वाली चीजें जो है ना, ये टेंशनें जो हमने पाली हुई है ना, आई थिंक इनको हमें अब छोड़ देना चाहिए। आई थिंक स्पॉट ऑन मीना, आपने बिल्कुल सही बात की। और आज का सेशन बड़ा एक यूनिक और आई थिंक बड़ा डिफरेंट सेशन था मीना का, और खास तौर पे 50 प्लस के जितने भी हमारे फ्यूचर क्या थे जी, सीनियर प्रेन्योर्स, बिल्कुल सीनियर प्रेन्योर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं। और आपने मीना तारिक और मेरी सारी बात को सुन के आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि आप किसी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल भी घबराई नहीं। आप ब्रेकफास्ट एट होम का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर जाके सवाल पूछ सकते हैं, कोई टिप्स लेना चाहे मीना से ले सकते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। सो 50 प्लस यू कैन डू इट, एब्सोल्युटली। मीना थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वेरी वेरी मोटिवेटिंग। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे आज जो गेस्ट है उनका नाम है अब्दुल रब, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में मुख्तलिफ 5-6 ममालिक में, जिनमें नेपाल, इंडोनेशिया, इराक, फलस्तीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक की मिसालों के साथ हम पे ये वाजे करेंगे कि तालीम, एजुकेशन सिर्फ कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के भी दुनिया उसको देख रही है, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन से किस तरह हम एक बेहतर शहरी इंसान बना सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको कहेंगे हम खुश आमदीद। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs की बात करते हैं तो इसका गोल 4 तालीम को कवर करता है, यानी कि एजुकेशन। बज़ाहिर ये वो लफ्ज़ है जो अक्सर हम मीडिया पे सुनते हैं, और पाकिस्तान में तालीम के मायार, तालीम के मसाइल, SDGs को हम 2030 तक कैसे टारगेट कर सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है, बात होती है। मगर आज जिस हवाले से मैं बात करने चला हूँ वो है नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि हमारी कन्वेंशनल एकेडमिक करिकुलम बेस्ड एजुकेशन से कुछ जुदा है। लेकिन जब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ बात समझ में आती है। माहिरीन कहते हैं कि इसके अंदर एक और आगे से रुख है, एक और स्ट्रीम है, एक और नदी निकल के जाती है जिसके ऊपर अपनी कश्ती रवा करें तो हम ये जानते हैं कि ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन भी एक दुनिया है, और उस हवाले से एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। और SDGs यानी 2030 में हमने जो SDG 4 को टारगेट करना है उसमें ग्लोबल सिटीजन्स एजुकेशन भी एक कहानी है, और इस कहानी के माहिर आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल रब साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप रहते तो दोहा में हैं, कतर में, लेकिन आपका बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, फलस्तीन, यमन, फिलीपींस, पाकिस्तान, इन सब इलाकों के अंदर बुनियादी तौर पे यूथ और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से SDGs को टारगेट करने का बहुत तजुर्बा है। पाकिस्तान किस कहाँ पे खड़ा है इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इन तमाम ममालिक में ये ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन को कैसे ये ममालिक ले रहे हैं और इसके इंग्रीडियंट्स क्या हैं, ये क्या कहानी है, क्या क्या भला है, हमें बताइए। अच्छा, तो सीख सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि SDGs है क्या, कब स्टार्ट हुई और कैसे इस पर काम किया जाएगा। ये याद रखिए कि SDGs जो हैं वो अक़्वाम मुत्तहदा के तहत आते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 190 से ज़्यादा ममालिक जो हैं उसके
ممبرس ہیں. یہ تمام ممالک مل کے انہوں نے ایک اپنے لیے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا سیٹ کیا 15 سال کے لیے. ٹھیک, اسٹارٹ ہوتا ہے جنوری 2016 سے اور یہ دسمبر 2030 تک چلے گا. ہوتا کیا ہے کہ ایس ڈی جیز کے اندر اپنے لیے مختلف اہداف سیٹ کیے جاتے ہیں مختلف ایریاز کے اندر. لہٰذا یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے اس کے اندر تقریباً 17 براڈر تھیمز کو ٹچ کیا گیا ہے, اور جن کو ہم گولز کہتے ہیں, اور ان 17 تھیمز کو پھر سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے, جس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ کچھ اس کے چھوٹے اہداف بھی رکھے گئے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ ان 17 میں سے جو نمبر 4 ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہے, لیکن ایجوکیشن کے اندر پھر 10 سب گولز رکھے گئے ہیں. اچھا, ان 10 میں سے جو سب گول نمبر 7 ہے وہ بیسیکلی گلوبل ایجوکیشن سٹیزنشپ کے لیے کام کرتا ہے. اچھا, اس میں اب بڑے ایمبیشیس گولز رکھے گئے ہیں. ایمبیشیس رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ اتنے ہی پیشن کے ساتھ کام کیا جا سکے, ریسورسز ایلوکیٹ کیے جا سکیں. بے شک اگر وہ اس طرح سے جو اہداف رکھے گئے ہیں ان کو ہم اچیو نہ بھی کر سکیں, لیکن اس کے قریب قریب کہیں پہنچ سکیں. اچھا, یہ تمام جو 15 سال کا عرصہ رکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ پچھلے 15 سال کے ایکسپیرینس کی بیسس پہ رکھا گیا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جو ایس ڈی جیز, یعنی یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس سے پہلے ایم ڈی جیز بولا جاتا تھا, سو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, اور اس میں بڑے ہمارے لیے حوصلہ افزا نتائج آئے تھے خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے. لیکن جب اس کو ریویو کیا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ جو اگلے 15 سال ہیں اس میں کئی ایسے نئے ایریاز ہیں, ایسے کئی ایشوز ہیں جن کو شاید گزشتہ 15 سال میں کور نہیں کیا گیا تھا, لہٰذا اس میں ان کو شامل کر لیا جائے. تو یوں سمجھ لیں کہ جو گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کا ایریا ہے یہ بھی گزشتہ جو ایم ڈی جیز تھے اس میں شاید کور نہیں کیا گیا تھا اور اس کو یہاں پہ کور کیا. اچھا, گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کی کیا اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ ہے کہ اس عمر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا, یا بس اسکول جانا شروع کیا بچے نے تو اس کو اس طرح کی تعلیم, اس حوالے سے اس کا کوئی ایج بریکٹ ہے؟ جی جی بالکل, اس کے حوالے سے ایج بریکٹ ہے. اور بیسیکلی جب یہ اس کے ایس ڈی جیز کے اوپر جب کام کیا جا رہا تھا, جب ڈسکشنز چل رہی تھیں, تو اس میں ایک چیز یہی تھی کہ پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا گیا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو ہم پوری طرح سے اس کے پوٹینشیل کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے, اور وہ کون اور وہ تھا یوتھ. ٹھیک ہے, لہٰذا جو گلوبل سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر جس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ 15 سے 24 سال ہے. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ جو ایک فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کا 16% جو پاپولیشن کا جو ایک گروپ ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن میں یہ ہیں, یوتھ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں سے ویری کرتے ہیں مختلف ملکوں میں, بعض میں بہت زیادہ ہیں, بعض میں اتنے کم ہیں کہ بڑے کنسرننگ ہیں. کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں آپ یقین کریں گے کہ اس وقت 64% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے. اچھا, ایسے ممالک بھی ہیں جو جن کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ کم ہے؟ جی جی بالکل, ایسے ممالک ہیں, ایون جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بالکل قریب قریب کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ایشو ہے اور بڑا کنسرننگ ہے کہ ان کی جو یوتھ بلج ہے وہ بہت کم ہے. Okay. اور جبکہ جو ایجنگ جو ایک سیگمنٹ ہے, جو عمر رسیدہ افراد ہیں وہاں پہ, وہ بہت زیادہ ہیں, لہٰذا ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں اگر اس کو بڑھایا نہ گیا تو بڑا کنسرننگ ہو سکتا ہے. یعنی پاکستان کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے, کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی گھٹ رہی ہے یوتھ کی, یوتھ جی یوتھ جی کے حوالے سے. بالکل, لیکن ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو اگر یوتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو 10 سال بعد ٹوٹل آبادی بھی تو شاید کم بالکل ہو جائے گی. بالکل بالکل, exactly. اس حوالے سے اچھا جی, اب واپس آتے ہیں اسی پہ کہ گلوبل سٹیزنز ایجوکیشن, اس کے اندر اب یہ 15 سے 24 سال کے افراد پہ کس طرح کے ایریاز پہ کام کرنا مقصود ہے, یا جن ممالک کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے وہاں پہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, یا شاید وہ کام پاکستان میں کیا جا سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ اچھا, میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا آپ کا جو ابھی پہلے ایک سیگمنٹ گزرا ہے مینا کے ساتھ. جی, جو میرے لیے ٹیک اوے تھا اس سیگمنٹ سے, پہلی بات تو یہ بڑا ہی اچھا سیگمنٹ آپ کا ہے. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی, ایک تو سینئر پرنیورشپ, اور ایک انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور وہ ویلیوبلی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اب جو گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک قسم کا احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ
जो यूथ है, यूथ सेगमेंट है, वो अपने आप को ये ना समझे कि वो एक पैसिव सेगमेंट है, बल्कि वो इवन स्टूडेंट लाइफ में भी, और अगर स्टूडेंट लाइफ में नहीं है तो उससे हटके भी अगर वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा तो उसमें भी बहुत वैल्यूबली कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, इसमें जो अब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो तस्वर है, हम ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से SDGs में ये बताया गया है कि कन्वेंशनल थिंकिंग ये है कि आप सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएँ तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक, ये अब थोड़ा सा सोच काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और अगर हम इसी सोच के तहत चलते रहें तो शायद हम मे बी अगले 15 साल, क्या शायद उससे 50 साल में भी हम 100% के टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। लिहाजा उसके अल्टरनेट के तौर पे ये सोचा गया कि नहीं, मसाइल कुछ इस नौयत के हैं पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक में, कि अगर उनको, उन मसाइल को हल करने के लिए कोई हमने सोच अपनानी है तो उसमें हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए। अच्छा, उसमें ये होता है कि मतलब ये मुमकिन नहीं है कि हर बच्चे को स्कूल भेजें, वो मैट्रिक करे, FA करे, BA करे, MA करे, तो फिर वो तालीम याफ्ता होना या उसकी तरबियत होना सिर्फ उसी से जोड़ा ना जाए। जी जी, और ना ये समझा जाए कि जब तक वो किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ा हुआ ना हो तो तभी वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, उससे हटके भी बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। लिहाजा ये बुनियादी तस्वर है। अच्छा, इसमें जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप देखें कि पहले कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी यूथ अगर थी तो वो अपने आप को ये ना समझे कि वो किसी एक मोहल्ले का, एक गांव का, एक शहर का या एक मुल्क का बाशिंदा है, बल्कि वो ग्लोबल सिटीजन है, वो पूरी दुनिया के बाशिंदे के तौर पे अपने आप को देखे और वो ये सोचे कि वो एक पुर्जा है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। और अगर वो नहीं करेगा तो उससे पूरी दुनिया के निज़ाम में कुछ ना कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो कहा कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के अंडर एरियाज कौन कौन से आते हैं, अच्छा इसमें अब ये है कि चूंकि हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करें लिहाजा ऐसे एरियाज को जनरली पिक किया गया जो कि ग्लोबली यानी इफेक्ट कर सकते हैं पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक, लेकिन इसमें एक गुंजाइश ये भी रखी गई है कि आप इससे हट के वो एरियाज जो कि आपको कॉन्टेक्चुअली इफेक्ट करते हैं आप उनको भी ले सकते हैं। अब हैं कौन कौन से एरियाज इसमें, एक तो है जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इसमें पीस बिल्डिंग है, उसके अलावा एजुकेशन है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा हेल्थ है, उसके अलावा डायलॉग है, इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर बातचीत की जाती है, लीडरशिप स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सो इस तरह के बेशुमार यानी एरियाज हैं। मिसाल देके वाजे करें, चलें उसी से शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस हवाले से कोई, आई डोंट नो, कोई मिसाल दीजिए, हमें समझ नहीं आई बात। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं आपको मिसाल दूं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से मेरे पास जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा एक्सपोजर है, उसमें मैं आपको एक मिसाल तो दे सकता हूँ पैलेस्टाइन और इसराइल की, ठीक है। अच्छा, पैलेस्टाइन और इसराइल में आप जानते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग एक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल कर रहा है और वो दोनों तरफ की यूथ को इफेक्ट भी कर रहा है, खुसूसन फलस्तीनी यूथ को, ठीक। उनके लिए बहुत महदूद, यूँ समझ लें कि स्कोप है या बहुत महदूद उनकी हदूद हैं जिसके अंदर वो ग्रो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कम है, ख्वाह वो तालीम हो, ख्वाह वो सेहत हो, ख्वाह कुछ भी हो, इवन स्पोर्ट्स की, हर हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं जहाँ पे जब ये दो कॉन्फ्लिक्ट नेशंस जो हैं उनका यूथ थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से डायलॉग करते हैं। अच्छा, इसमें दो फायदे हो रहे हैं। एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि एक जनरल जो इम्प्रेशन है ना एग्रेशन का इसराइल की तरफ से, तो चूंकि वहाँ का यूथ उसी माइंड सेट के साथ बड़ा होता है बचपन से, और वो ये सोचता है कि जी नहीं, कसूरवार जो है वो फलस्तीन ही है, लिहाजा हमने उसको तंग करना ही है। लिहाजा इस जो डायलॉग के ज़रिए, जो कि इंटरनेट के ज़रिए, जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए होता है, जो फ़लस्तीनी यूथ है और जो इसराइली यूथ है वो एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं कि बुनियादी मसला है क्या। और जब तक ये याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आप डायलॉग को प्रमोट नहीं करेंगे, डायलॉग को इनक्रेज नहीं करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करें, तो मसाइल का हल कभी भी नहीं निकल सकता। बिल्कुल ठीक। तो और इससे मेरा ख्याल है वो स्टीरियोटाइप्स भी टूटते होंगे, जैसे आपने कहा कि वो बच्चा पैदा ही उसी वही घर में सुनते 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 बड़ा हुआ है, तो वो जब तक
दूसरी पार्टी को नहीं सुनेगा समझेगा, इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं? जी, इससे बड़े पॉजिटिव मतलब डायलॉग तो हो रहा है, वाजी वाह तालियां डायलॉग हो रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? नहीं, उसका फायदा ये हो रहा है कि एक एक गो के मैं ये कहूँगा कि अब बड़ी स्मॉल सेगमेंट ऑफ यूथ है इवन इसराइल के अंदर जो कि अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करता है जब वो बात आती है फलस्तीन के हवाले से। लिहाजा और ये 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 अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि गो कि ये अभी बहुत महदूद पैमाने पर हो रहा है, लेकिन हमने कहीं से स्टार्ट लेना है और उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, लेकिन आपने कहीं से स्टार्ट तो लेना है ना, कहीं तक पहुंचने के लिए। अब्दुर्रब हमारे साथ मौजूद हैं और ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन मेरे लिए तो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था, उस हवाले से उसको आज हम डाइसेक्ट कर रहे हैं। अब्दुर्रब जो कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से यूथ के साथ काम कर रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो मेडिसिन की साइड पे, हेल्थ की साइड पे इस तरह के इनिशिएटिव्स में काम हो रहा है या लीडरशिप की साइड पे, उस वाले से अब्दुर्रब से बात करेंगे। रही मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुर्रब साहब जो कि दोहा कतर में रहते हैं, एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनके काम की नौयत बहुत ही दिलचस्प है। ये कतर, फलस्तीन, यमन और अगर एशियाई ममालिक में देखें तो इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर यूथ के साथ पैरेलल स्टाइल ऑफ एजुकेशन, तरबियत साजी, जिसको सिटीजन ग्लोबल एजुकेशन का नाम दिया जा रहा है, जो कि फाइनली जाके 2030 में SDGs के गोल्स को अचीव करने के लिए भी जोड़ा जा रहा है उसको, उस हवाले से इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, तो उसको आज हम आपके साथ डाइसेक्ट करने बैठे हैं। अब बताइए जी कि इस के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है वो है हेल्थ का सेक्टर, उसमें क्या इंटरवेंशन हो रही है और किस तरह से काम किया जा रहा है? अच्छा, हेल्थ या किस मुल्क में इंटरेस्टिंग काम हो रहा है? जी जी, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जब हम ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन जैसे हमने पहले बात की थी कि तस्वर है वो कोई स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। लिहाजा आप यूथ को मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के ज़रिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए एजुकेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ यूथ, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट से जो सिमिलर नेचर के हों, और एक दूसरे से ढूंढते हैं कि क्या मसाइल उनके थे और उन्होंने कैसे उस मसले का हल निकाला और हम भी उस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो एग्जांपल की बात हेल्थ के हवाले से मैं आपको बता दूं, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ एक बहुत ही पसमानदा इलाके में, नेपाल में, एक इलाका है तेराई उसको बोला जाता है, ये बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ है और जो नेपाल की ज़्यादातर पॉपुलेशन वो इसी एरिया में रहती है क्योंकि ये प्लेन है। वहाँ पर मैंने नोट किया कि हमारी तरह के बेशुमार मसाइल हैं, गुर्बत है, तालीम की कमी है वगैरह वगैरह हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड भी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है वहाँ पे। तो मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के ज़रिए यूथ ने जब वो ट्रेन हुए मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के ज़रिए, तो उन्होंने उसका ये हल निकाला कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करें बजाय इसके कि हम ये ढूंढते रहें या इंतज़ार करते रहें कि हुकूमत ने ही आके कुछ करना है, यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो उनका कैपिटल सिटी है काठमांडू, सो काठमांडू में मौजूद मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंगेज किया और उनके साथ वो वीकली एक टाइम मुकर्रर कर लेते हैं और फिर कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हुए जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, लिहाजा स्काइप के ज़रिए उस इलाके की खवातीन जिनके मुख्तलिफ हेल्थ रिलेटेड इशूज़ होते हैं उनको इन्वाइट किया जाता है, वो कम्युनिटी सेंटर में आती हैं और वहाँ से उनको लिंक करवाया जाता है हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ जो कि काठमांडू में बैठे हैं, कई सौ किलोमीटर दूर बैठे हैं, वड्डे अस्पताल में। जी जी, वड्डे अस्पताल में बैठे हैं और वहाँ से उनसे इंटरेक्ट करने की वजह से उनसे मुफीद मशवरे लिए जाते हैं। अच्छा, ये सारा वॉलंटरी काम? ये बिल्कुल, ये प्योरली वॉलंटरी काम है। याद रखिए कि तस्वर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का है ही यही है कि यूथ को इसलिए तैयार किया जाए कि ये फ्यूचर जनरेशन है जिसने लीडरशिप का रोल प्ले करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, लिहाजा इनको ये यूँ समझ लें कि इनके लिए एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन लेने के बाद ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं जिनको उन्होंने फुलफिल करना होता है।
کوئی کوئی شماریات ہیں یا کوئی ریسرچ یا سروز ہیں کہ مثلا نیپال کے پسماندہ علاقوں کی وہ خواتین اس طرح کی اسکائپ انٹریکشن بڑے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ کوئی چینج آیا ہے, کچھ ہیلتھ اسٹیٹسٹکس بہتر ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے یا یہ بس کہنے کو بہت اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال؟ اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نارملی جو گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن میں زیادہ تر جو لیڈ رول لیا ہے وہ این جی اوز نے لیا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ این جی اوز کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ اتنا لارج اسکیل پہ نہیں ہوتا جتنا سرکار کا ہوتا ہے. لہٰذا این جی اوز کیا کرتی ہیں کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایسے اچھی مثالیں قائم کر دیتی ہیں جس کو سرکار اگر دیکھتی ہے اور سرکار سمجھتی ہے کہ ہاں یہ بڑا ایک ایفیشنٹ ماڈل ہے, بڑا افیکٹو ماڈل ہے, جس میں آپ کو بہت زیادہ شاید ریسورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہاسپٹل نہیں بنانے پڑتے, آپ کو کلینکس نہیں بنانے پڑتے, ڈاکٹرز نہیں وہاں پہ لے کے جانے پڑتے, تو اس کے ذریعے یہ یعنی اس ماڈل کو اپنایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس ایگزامپل کو جو میں ابھی کوٹ کر رہا تھا نیپال سے, اس میں وہ این جی او ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ڈائیلاگ شروع کیا ہے, انگیج کرنا شروع کیا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کی ہیلتھ منسٹری کو, کہ وہ چونکہ ریسورس کنسٹرینٹس ہیں ان کے پاس, لہٰذا اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ کب ایسے ریسورسز آئیں گے, وہ اس کو پالیسی کے طور پہ لے لیں اور آہستہ آہستہ اس کو پورے نیپال میں رورل ایریا میں پرائمریلی اس کو پھیلا دیں. ابھی تک آپ نے جو ہمیں دو بڑی بنیادی اور بڑی دلچسپ مثالیں دی ہیں دونوں, ایک کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے اسرائیل فلسطین کی, یوتھ کی کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, اور نیپال کے اندر کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, تو میں کامن اس کے اندر چیز ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسکلی ٹیکنالوجی از دا مین سوائپنگ کارڈ, کہ ٹیکنالوجی کا کارڈ ہی استعمال ہو رہا ہے. تو کیا یہ ایک کانسٹنٹ ہے اس طرح کی تعلیم کے اندر, یا یہ اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ آپ نے دونوں مثالیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. ایکچولی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ ٹولس کے ساتھ ساتھ ایک ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں, اور آبویسلی ٹیکنالوجی وہاں پہ زیادہ یوز ہو سکتی ہے جہاں پہ یہ موجود ہو, انٹرنیٹ موجود ہو, ٹیکنالوجی, اسمارٹ فون, بالکل کنزمپشن. یہاں پہ کچھ ایسے ایریاز بھی میرے علم میں آئے ہیں یا میرا ایکسپوجر ہوا ہے جہاں پہ شاید ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس لیول پہ ہے نہیں ہے. ٹھیک, اس کی مین ریزن ایک تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن اب ٹیکنالوجی میں ایسے بھی طریقے آ گئے ہیں کہ بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ہم کچھ اور بڑے انوویٹو اور کریٹو ٹولز یوز کر رہے ہیں, اس میں اسپورٹس ہے. اچھا, اس میں مختلف میڈیم ہیں آرٹ کے, آپ ڈرائنگ کے ذریعے, آپ پینٹنگز کے ذریعے, آپ ایکٹنگ کے ذریعے, آپ سنگنگ کے ذریعے. مثال جی مثال, اچھا مثال اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال میرے پاس ہے یمن کی. اچھا, یمن میں کچھ یوتھ ہے جو ٹرین ہوئے گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کے اوپر, اور واپس جا کے انہوں نے ایز والنٹیئرز, اگین ایک گروپ آف والنٹیئرز ہے, انہوں نے واپس جا کے یہ کیا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یمن میں جو آٹزم ہے یا جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں جن کی جو ذہنی نشو نما ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھتی نہیں ہے, ان کے ساتھ کچھ کام کیا جائے. لہٰذا انہوں نے اگین یوز کیا آرٹ کے میڈیم کو, اور انہوں نے اسپورٹس کو یوز کیا, اور اسپورٹس میں کراٹے کو یوز کیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ, جس کے بارے میں ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ وہ فزیکلی کیسے کوئکلی موو کرے گا, لیکن انہوں نے ان بچوں کو ٹرین کیا اور وہاں پہ مختلف ٹورنامنٹس کروائے. سو یعنی یہ صرف مطلب آٹسٹک بچوں نے کراٹے کھیلے, ان کی چیمپئن شپس ہوئی, ان کو ایوارڈز ملے. اچھا, یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ صرف اسپورٹس کا ٹول یوز کیا گیا ہے اور وہ فزیکل کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں نا, کچھ ایسی چیزیں ان کی نشو نما پا رہی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کمیونیکیشن اسکلس ان کی, جس کو موٹر اسکلس بولتے ہیں, وہ ان کی اس اوپر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, ان کی لیڈرشپ اسکلس, ایون لیڈرشپ اسکلس, اور پھر وہ موٹیویشن لیول ٹو لیو. جی جی بالکل, پروڈکٹیو یوزفل لائف گزارنے کی جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ زبردست, بالکل زبردست ہے. اور یہ دیکھیے, یہ سب کا سب صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں اور یوتھ کو گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کے تھرو انگیج کر رہے ہیں. ادروائز میں اگر وہی مثال دوں کہ یمن میں کتنے ہی سالوں سے یہ بچے موجود تھے, لیکن ان کے لیے
مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طرح کے پروگرامز نہیں چل سکتے. عبدالرب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں گلوبل سٹیزنز ایجوکیشن کے کانسیپٹ پہ. بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے, بظاہر ایک بڑا جارگنائزڈ ٹرم ہے جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا گول 4, ایجوکیشن کا سب گول 7 ہے. ویسے تو بڑی اکیڈیمک سی بات لگتی ہے, لیکن عبدالرب صاحب نے ہمیں مختلف ممالک کی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ کس طرح گراس روٹ لیول کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے اس ایس ڈی جیز کے کانسیپٹ میں اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ایک دو اور مثالیں, اور ہم ان سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی مثالیں موجود ہیں, کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. روی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں. محترم عبدالرب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں گلوبل سٹیزنز ایجوکیشن کے کانسیپٹ کے حوالے سے. جانتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسی کوئی مثالیں ہیں یا آپ ہمیں نیپال, یمن, فلسطین یہیں سے مثالیں آج ہمارے لیے اکٹھی کر کے لائیں. اچھا نہیں, توسیق, لکیلی پاکستان سے بہت ساری ایگزامپلس ہیں. اوکے گڈ. اور اس کی ایک آسان سا یعنی ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو بے تحاشا ایسے پاکستانی یوتھ نظر آئیں گے جو کہ خود ایجوکیٹ کر رہے ہیں مختلف یوتھ کو پاکستان میں, کیونکہ وہ اردو میں ویڈیوز بناتے ہیں. اچھا, اس میں ایک جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے یوتھ ہیں پاکستانی جو کہ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں, خود انہوں نے کوئی ڈگریاں نہیں لی ہوئی ہیں, لیکن ان کے پاس مارکیٹ کا نالج ہے. ٹھیک, وہ مارکیٹ کو جانتے ہیں, لہٰذا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں, یوتھ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیمانے کے کاروبار کر سکتے ہیں. ایون 10,000 سے کوئی کاروبار اگر شروع کرنا ہو, 5,000 سے شروع کرنا ہو, تو وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں. اور آپ تو اردو کی بات کر رہے ہیں اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایون سندھی میں, پنجابی میں, ایون لوکل لینگویجز کے اندر بھی اس طرح کی یوٹیوب پہ انفارمیشن موجود ہے. بالکل موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے مکمل طور پہ انگیجڈ ہے اور کام کر رہی ہے. اچھا عبدالرب, تھوڑا سا آپ کے کام کا ایک اور حوالہ میں پروگرام کے آخر میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ ہے کیونکہ یہ سارا کام جیسے آپ نے فلسطین اسرائیل کی مثال دی یا نیپال کی, آپ بہت ہی کمیونٹی لیول کے اوپر اور دور افتادہ علاقوں میں, کم وسائل والے علاقوں کے اندر کام کا آپ کا بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے. آج کل انٹرنیشنلی گلوبل یہ جو این جی اوز کی, یا این جی او بھی بڑی اونچی سطح ہے, آئی این جی او تو اس سے بھی اونچی سطح ہے, جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے, سی بی او, جو بالکل ایک گاؤں گوٹ کے لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر وسائل, ریسورسز, فنڈنگ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بنی ہوئی, کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان سے فنڈنگ کا فوکس اب شفٹ ہو کے دوسرے ممالک کی طرف, یمن, سیریا, عراق کی طرف زیادہ چلا گیا ہے. کوئی ایک ٹپ آپ پاکستانی سی بی اوز کو دینا چاہیں کہ وہ اپنے فنڈنگ ریسورسز کو کس طرح سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا, جہاں تک چھوٹے لیول کی آرگنائزیشنز یا گاؤں یا گوٹ یا ایون تحصیل لیول کی آرگنائزیشنز, ان کے لیے فنڈنگ کو ڈائیورسیفائی کرنے کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ایک گروپ پلے کر سکتا ہے وہ ہے آپ کا کارپوریٹ سیکٹر. اچھا, جو فار پروفٹ سیکٹر ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو میرے نالج میں آیا ہے کہ کئی ممالک میں ایسی پالیسیز موجود ہیں جہاں پہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو ایک قانون کے تحت یہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سالانہ جو انکم کرتے ہیں, جتنی بھی انکم ہو, اس کے 1% یا اس کے 2% وہ خاص طور پہ سی ایس آر, جس کو ہم کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے کہتے ہیں, اس کے تحت اس نے خرچ کرنا ہے. اب چونکہ ان کی اپنی کیپیسٹی تو ہوتی نہیں وہ کرنے کی, ان کی وہ اب ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, لہٰذا وہ فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں کئی ممالک میں کہ ان سے مختلف چھوٹے لیول کی آرگنائزیشن جو اسمال اسکیل پہ کام کر رہی ہیں وہ ان کو اپروچ کریں اور مختلف پروجیکٹس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش موجود ہے وہ یہ موجود ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی اگر کر دی جائے
और बाय द वे पाकिस्तान में कई कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, लेकिन पे हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से सीएसआर होता है। बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ी गुंजाइश और भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ तभी हो सकता है कि जब किसी कानून के तहत उनको पाबंद किया जाए। अच्छा, अब जहाँ तक कानून के तहत पाबंद करने की बात आती है, तो मैं एक नुक्ता ज़रूर उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से 1% या 2% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट अगर आप सीएसआर के लिए लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको कंपनसेट किया जाता है जो टैक्सेस हैं मुख्तलिफ। अच्छा, ताकि उनके ऊपर कोई एडिशनल उनको बोझ महसूस ना हो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर सोशल डेवलपमेंट के लिए अपना रोल प्ले करता है इस तरीके से, तो इसमें उनका अपना भी बेनिफिट है और उनकी अपनी क्लाइंटेल जो जिसको हम कहना चाहिए बायर्स जो हैं, उनकी तादाद भी काफी बढ़ सकती है। आपका एक ब्रांड इमेज बनता है। जी जी, बिल्कुल, ब्रांड इमेज बनता है कि ये एक अदारा है जो अपने प्रॉफिट से आई डोंट नो हेल्थ के शोबे में या अगेन कॉन्फ्लिक्ट के शोबे में या दरख्त लगाने में या किसी भी हवाले से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब्दुर्रब, बहुत पुरलुत्फ गुफ्तगु थी। हमारे पास अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। इंटरनेशनली इसी शोबे के हवाले से कोई एक और हमें आप मिसाल देते जाइए, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कहीं से भी, कि यूथ ने कुछ इनक्रेडिबल सा आइडिया जनरेट किया हो और वैल्यू एडेड कॉन्ट्रीब्यूशन पे बैक किया हो सोसाइटी में। अच्छा, मैं इंडोनेशिया के हवाले से एक एग्जाम्पल ख़ास तौर पर कोट करना चाहूँगा, जहाँ यूथ ने जो इंक्लूसिव एजुकेशन का एलिमेंट है, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि या तो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते, या वो मेंटली उनके कुछ इश्यूज़ हैं, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने अगेन स्पोर्ट्स का टूल यूज़ करते हुए ग्रेजुअली एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा है कि जहाँ पे वो बच्चे जो कि शायद सही तरीके से बोल नहीं सकते थे, बोलना शुरू हो गए हैं, जो अपने आप को एलियनेटेड समझते थे कि हमें पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, मेनस्ट्रीम में आ गए हैं, वो मेनस्ट्रीम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आम बच्चों के साथ घुल मिल के बातचीत करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ये उन बच्चों को बेनिफिट नहीं हो रहा, जो आम बच्चे हैं जिनके साथ जिनके अंदर एक ये स्टिग्मा उनके सामने होता है कि जी ये बच्चे तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी अब इन बच्चों को यानी एक आम बच्चों के तौर पे लेते हैं। और ये इंडोनेशिया की यूथ कर रही है, वॉलंटरी तौर पे कर रही है, और कोई जरूरी नहीं कि उनके पास इस काम की बिल्कुल डिग्रीज। बिल्कुल, देखें ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप इसलिए भी मौजूद है कि वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शायद रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपका आज का सेशन काफी इंस्पिरेशनल था। हम अपनी छोटी छोटी दुनिया के अंदर इंतजार करते रह जाते हैं कि हमारे पास बहुत से वसायल आए और कोई बहुत बड़ी एनजीओ आए या कोई बहुत बड़ा इदारा है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, हुकूमत आ जाए, सिंध की हुकूमत आ जाए, केपी की हुकूमत आ जाए और हमारा ये काम कर दे। छोटी सी दुनिया में बड़ा सा काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको विल चाहिए होती है, और उसकी बहुत सी मिसालें आज अब्दुर्रब हमारे लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस स्पेशल सेशन में हमारा साथ दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।